नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। झरिया के भौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध खनन के दौरान चाल धस गई, जिसमें दर्जनों लोगों की दबे होने की आशंका है। इस घटना की जानकारी भौरा थाना व स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मलबे से दबे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए पास के अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहाँ स्थानीय लोगों ने कहा कि चाल धसने से 3 लोगों की मौत हुई है। घटना में एक 25 वर्षीय युवक, एक महिला और एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। पनिया प्रशासक घटना स्थल पहुंचकर जांच में जुट गई है। मौके पर पहुंचे जोरो पोखर इंस्पेक्टर ने कहा कि अवैध खनन में कई लोगों के दबे होने की सूचना मिली है। मामले की जाँच की जा रही है। अवैध उत्खनन स्थल की भराई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि 10 से 15 लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। 5 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। धनबाद हर रोज बड़ी संख्या में लोग अवैध खनन करके कोयला निकालते हैं। अवैध उत्खनन स्थल की भराई की जा रही है। सालों से धनबाद में जारी है अवैध कोयला खनन का खेल। बता दें कि कोयला के अवैध खनन के दौरान कई लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन पुलिस के केस के डर से परिवार के लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस अवैध खनन के खेल में स्थानीय पुलिस और राजनेताओं की भी मिलीभगत होती है। हादसे में मरने वाले कई बार कोयले के ढेर में ही दफन हो जाते हैं। अवैध खनन की जानकारी होने पर खनन कंपनियों की ओर से उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है।